नगर निगम चुनाव को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा एवं गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्षद चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने चंदा वसूली का काम शुरू कर दिया है। देश में कांग्रेस खत्म हो गई, प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई और अब नगरों में भी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के नेता केवल दलाली करने के लिए और अपने दावेदारी को नगर निगम के चुनाव में प्रदर्शित कर चंदा वसूलने के लिए इस तरह से अपनी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक कांग्रेस का वो नेता जो पार्षद के टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है वो चंदा वसूलता फिर रहा है और ये केवल और केवल उनकी भ्रष्टाचार की कहानी को ही दर्शाता है। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मानी के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।